Hello, my dear children and all the parents, and especially hello to all the mommies. So today we are here for starting for our channel Pebble CBSE through Hindi. Basically, इस channel में हम आपको जो भी CBSE के courses हैं class 4th के उनका explanation हिंदी में देंगे. It doesn't mean कि ये हिंदी medium के उससे हैं, नहीं. It is from CBSE board, English medium. सारे lessons वही cover होंगे जो NCERT की book में हैं. But the explanation will be in Hindi. और हिंदी में हमने इसलिए नहीं रखा कि English नहीं आती या कुछ ऐसा है, no. बेसिकली हम लोग घर में जब बच्चों से बात करते हैं, क्या बच्चे अपने फ्रेंड से बात करते हैं, आजकल तो मोस्टली इंग्लिश में करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन 70-80% हिंदी में ही रहता है. एंड मोस्टली जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं या उन्हें पढ़ा रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, तो अगर हम उन्हें थोड़ा सा एक हिंदी में बता देते तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है. इसीलिए ये पेबल सीबीएसई थ्रू हिंदी चैनल आपको इसी चीज़ में मदद करना चाहता है और उसने ये नया चैनल स्टार्ट किया है. सो जो हम पहला सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एनवायरमेंटल साइंस फॉर क्लास 4th. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है जो हम एनवायरमेंटल साइंस का फॉर आर क्लास 4th सीबीएसई फ्रॉम आर एनसीईआरटी बुक इज गोइंग टू स्कूल. आप सबको स्कूल जाना पसंद है? यस और नो? यस, सबको स्कूल जाना पसंद है. पर आप लोग स्कूल कैसे जाते हैं? ऑब्वियसली सुबह रेडी होके जाते हैं, बट घर से स्कूल पहुंचते कैसे हैं? या तो वैन से जाते हैं या स्कूल बस से जाते हैं. कुछ लोगों के मम्मी पापा छोड़ने जाते हैं, कुछ लोगों के दादा दादी छोड़ने जाते हैं, और कुछ लोग वॉक करके ही चले जाते हैं क्योंकि उनका स्कूल सिर्फ हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होता है. बट आपको ये पता है कि कुछ स्टेट्स में बच्चे बैम्बू ब्रिज से भी जाते हैं? यस, बैम्बू ब्रिज. नाउ अब आप सब सोच रहे होंगे ये मैम क्या बोल रही है, बैम्बू ब्रिज, व्हाट इज दिस बैम्बू ब्रिज, ये बैम्बू ब्रिज क्या है? आई विल टेल यू व्हाट इज दिस बैम्बू ब्रिज. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. जब बहुत ज्यादा रेन्स आ जाती हैं, आपने देखा होगा जब बहुत बारिश होती है तो कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं. फ्लड्स आने से क्या होता है, सब पानी भर जाता है, रोड्स पे सब जगह पानी भर जाता है. तो वहां पे एक स्टेट है असम. असम में जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना तब भी नहीं छोड़ते जब उनकी पूरी रोड्स पे पानी भर जाता है. तो वो जाते कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे पानी भर जाता है तो रोड्स पे ट्रैवल कैसे करते हैं? वो ट्रैवल करते हैं बैम्बू ब्रिज से. नाउ व्हाट इज दिस बैम्बू ब्रिज? स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे होंगे एक, दिस इज द बैम्बू ब्रिज. तो आपने ये इमेज देखा बैम्बू ब्रिज का, इसमें आपने देखा है कि एक बैम्बू को ज्वाइन करके जिसे हम बांस भी कहते हैं, बांस से एक ब्रिज बनाया गया है जो रोप से कनेक्टेड है और उन रोप्स को पकड़ के बच्चे उन बैम्बू से ट्रैवल कर रहे हैं, जो एक बैम्बू को एक रास्ते की तरह यूज किया गया है. एक हाथ में बच्चे अपनी बुक्स पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से उस रोप को पकड़ के वॉक करते हैं. और वो रोप इसलिए पकड़ते हैं कि कहीं गिर ना जाए या उनका बैलेंस ना बिगड़ जाए, इस कारण. सो दिस इज दी बैम्बू ब्रिज. एंड नाउ कुछ एक्टिविटीज भी आपकी इस बुक में दे रखी हैं. जैसे एक एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी, आप क्या कर सकते हैं, आपने अपने घर के बाहर कुछ ब्रिक्स तो देखी होंगी. ब्रिक्स मीन्स ईंट, सबको पता है ईंट क्या है, ब्रिक्स क्या है. आप क्या करिए, जब आप खेलते हैं या पार्क में या कहीं पे भी, स्लोली एक ईंट को उठाइए, दूसरी ईंट को उठाइए और उसे एक वे की तरह बना के रखिए. वे मींस रास्ता,
एक रास्ते की तरह अगर आप चार ईंटें भी रख देंगे और जब आप उस पर वॉक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक रास्ते की तरह बन चुका है। ओके, सो कुछ जगह लोग ऐसा भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत बारिश आ जाती है और सड़कों पे बहुत पानी भरा होता है तो लोग ऐसा ही एक तरीका अपनाते हैं, वो ईंटें रख देते हैं और उस पर चलते हैं कि हमारे पैर पानी में ना चले जाएं या हम लोग गिर ना जाएं। तो वो ईंट से ऐसे प्रॉपरली बैलेंस करके वॉक करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक रास्ता भी बन जाता है और हमें चलने में भी आसानी होती है। ओके, तो आप लोगों को आई होप सो समझ आ रहा है कि गोइंग टू स्कूल, तब भी व्हेन वी आर गोइंग टू स्कूल, जब हमारे कुछ हर्डल्स हैं, जब हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नेचर के थ्रू हैं, तब भी हम अपना स्कूल जाना नहीं छोड़ते। ओके, सो नेक्स्ट, ट्रॉली। नाउ व्हाट इज ट्रॉली, चलिए नाउ वी विल सी व्हाट इज ट्रॉली। TROLLEY, ट्रॉली। आई होप सो आप सबने ये वर्ड सुना होगा। आप लोग मम्मी के साथ सुपरमार्केट जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, डी मार्ट जाते हैं, तो मम्मी कहती हैं गेट अ ट्रॉली टू पुट दैट ऑल दी ग्रॉसरी इन इट और ऑल दी थिंग्स वट एवर यू बाय। बट मैं उस ट्रॉली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ट्रॉली एक रोपवे की बात कर रही हूँ जिसका पिक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सो ट्रॉलीज बेसिकली हिली रीजन्स में यूज होती हैं। हिली रीजन्स कैसे हो गए, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, जहाँ पे वैलीज होती हैं और कभी कभी वहाँ पे ट्रैवल करना मुश्किल होता है, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ट्रॉलीज। ऐसे हमारे बहुत से रीजन्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे हम ट्रॉलीज का यूज़ करते हैं। सो कैसे, अब जैसे अगर सपोज कीजिए लद्दाख, लद्दाख लेते हैं हम, लद्दाख में कोई रिवर है। अब किसी बच्चे को एक विलेज से दूसरे विलेज में पढ़ने के लिए जाना है, अभी आप कहेंगे उसे एक विलेज से दूसरे विलेज में क्यों पढ़ने के लिए जाना है, वो अपने विलेज में ही क्यों नहीं पढ़ता। बट कुछ अभी भी इंडिया में ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं और जब हमें, जब उन बच्चों को पढ़ने के लिए जाना होता है तो उन्हें काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है उन स्कूल्स में पढ़ने के लिए, और वो स्कूल्स का जो डिस्टेंस होता है वो भी काफ़ी दूर का होता है, तो कभी कभी बीच में रिवर्स पड़ते हैं। सो रिवर्स जब पड़ते हैं तो उन्हें क्रॉस करने के लिए, अब स्विम तो नहीं करेंगे वो लोग, सो व्हाट दे यूज, दे यूज द ट्रॉली वे, जिसका पिक्चर अभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ट्रॉली क्या कैसे रहता है, इन लोगों ने रोप वे से कनेक्ट किया होता है। अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ के बच्चों को अगर स्कूल पढ़ने जाना है तो उन्हें एक विलेज से दूसरे विलेज में ट्रैवल करना पड़ता है, जो एक अच्छे खासे डिस्टेंस में होता है, एक टाइम डिस्टेंस पे होता है। सो वहाँ पे भी वो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, लाइक समटाइम्स रिवर्स हैं कुछ हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक कि वहाँ पे वो स्विम करके जाएंगे, या कुछ ऐसे पहाड़ हैं या कुछ भी है, कुछ भी हर्डल हो सकता है माउंटेन एरिया का, तो वो कैसे ट्रैवल करेंगे, तो उस समय ट्रॉलीज यूज़ करते हैं। अब ट्रॉलीज क्या हैं, ये आपको मैं पिक्चर के थ्रू तो दिखा चुकी हूँ पर एक बार मैं आपको बताती हूँ। लाइक आप सपोज कीजिए ये एक माउंटेन है, बीच में इस तरह से रिवर है, ओके, एंड अगेन हेयर इज अ माउंटेन। तो ट्रॉली क्या रहता है, एक रोप वे रहता है, एक रोप से कनेक्टेड एक वुड का बॉक्स होता है जहाँ पे एक टाइम पे एक से पांच लोग तक बैठ सकते हैं, और वो एक पुली से कनेक्टेड होता है। ये पुली मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्या रहता है पुली, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस, बट वो एक पुली से कनेक्टेड रहता है, जैसे आप नाम से अभी भी सजेस्ट कर पा रहे होंगे कि वो उस चीज को पुल करता होगा, एक हुक के साथ रहता है, बट ये बहुत ही टाइट हुक होता है। इट्स नॉट कि
कोई बैठा तो गिर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये काफी टाइट रहता है और ये पुली एक सॉरी ये ट्रॉली एक साइड से दूसरी साइड लेके जाती है इस पुली की हेल्प से। सो जिन रीजन्स में हमें कोई रिवर क्रॉस करके जाना है या कुछ माउंटेन्स क्रॉस करके जाने हैं तो उन जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रॉलीज। ओके सो हियर वी एंड द टॉपिक ट्रॉली एंड वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक पुली। पहले मुझे आप लोग एक चीज बताइए, अगर मम्मी आपको कहेगी कि जाओ पानी लेके आओ तो आप कैसे लेके आओगे? अभी आज के जमाने में तो आप लोग फ्रिज में जाएंगे या वाटर कूलर के पास जाएंगे एंड यू विल ओपन दैट एंड पुट द वाटर इन द ग्लास और लाके दे देंगे मम्मी को, लीजिए मम्मी पानी पीजिए। बट आप अभी भी जानते हैं, आप लोगों ने काफी मूवीज देखी होंगी या कुछ सीरियल्स देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि अभी भी लोग कुएं से पानी लेते थे विलेजेस में पहले, या अभी भी कुएं से लेते हैं काफी विलेजेस में। तो आपने कभी वो जो वेल होता है जिसे आप लोग वेल कहते हैं कुएं को, तो आपने कभी देखा है कि उससे पानी जब खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं? इस तरह से खींचते हैं, है ना? तो दैट इज द पुली। पुली क्या होता है? जो हमें पुल करने में इजली हेल्प करे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुली। अभी जब मैंने आपको ट्रॉली के बारे में बताया था तो मैंने ये वर्ड यूज किया था पुली, मैंने आपको कहा था इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगी। पुली क्या होता है? पुली अगर देखा जाए, जैसे आपको नाम से ही सजेस्ट आउट हो रहा होगा, पुली कुछ पुल खींचना, कुछ खींचने के लिए। पर कैसे? पुली क्या होता है? एक सर्कुलर फॉर्म जैसे डिस्क होती है अपना, उस फॉर्म में होता है और उसके इस साइड में रोप्स, मतलब इस तरह से उसके आसपास रोप होता है जो हम लोग ही लगाते हैं पुली के साइड पे, और यहाँ पे जहाँ वेल होता है हम उसे बकेट से कनेक्ट कर देते हैं और इससे क्या रहता है, हमें पानी खींचने में आसानी रहती है। और जब अगर हमें बीच में रुकना भी है पानी खींचते वक्त तो हमारे हाथ में जोर नहीं आता, सारा जोर इस पुली जिससे कनेक्ट होती है उसके ऊपर, इस पुली के ऊपर रहता है। और मेन बात यह है कि जब आप खींचते हैं तब तो आपको थोड़ा जोर लगाना ही पड़ता है, ऑब्वियसली जब आप किसी चीज को पुल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो अपना लाइक स्ट्रेंथ लगाना ही पड़ता है। बट अगर आप रुकते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ही पूरा वेट आ रहा है या समथिंग, पुली बेसिकली आपको खींचने में या किसी चीज को पुल ऑफ करने में आपकी हेल्प करती है एंड इजी भी कर देती है वो आपका काम। इस तरह से काफी चीजें रहती हैं, आप लोग सोच के रखिए कि हम लोग पुली किस किस चीज में यूज करेंगे और मैं डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द लेसन इस क्वेश्चंस के ऊपर भी आऊंगी और आंसर्स दूंगी। आप लोग भी सोचिए हम किस चीज के ऊपर और यूज करके रख सकते हैं पुलिस को। ओके सो मैं होप करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा पुलिस तक, एंड टू प्रिपेयर विथ टू अदर नेम्स जो पुलिस यूज करते हैं हम, जिसमें ये मैं आपसे आपको बताऊंगी लेसन के एंड में, ठीक है? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीमेंट ब्रिज। ऑब्वियसली फ्रॉम द नेम यू कैन सजेस्ट द ब्रिज या कोई भी ऐसा ब्रिज, मैं आपको बता चुकी हूँ ब्रिज क्या होता है, जो आपको हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, एक वे या रास्ता कह सकते हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, जो सीमेंट का बना होता है। अब आप कहेंगे बैम्बू ब्रिज भी तो था, अभी सीमेंट ब्रिज की क्या जरूरत है? ट्रॉली भी तो थी जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रही थी, तो अभी सीमेंट ब्रिज क्यों है ना? सीमेंट ब्रिज, पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीमेंट ब्रिज है बेसिकली, एंड ये ब्रिज सीमेंट क्यों हम यूज कर रहे हैं ब्रिजेस बनाने में। आप लोग जहाँ जिस घर में रहते हैं वो घर आपका बना हुआ है ब्रिक से, सीमेंट से, पत्थरों से, क्योंकि तो उससे क्या है कि वो घर स्ट्रॉन्ग है। ओके क्यों बना है वो घर उससे?
कि वो स्ट्रांग रहे, कि कोई भी नेचुरल कंडीशंस आए, बारिश आए, धूप आए, या कोई भी ऐसी नेचुरल कंडीशंस आए, अर्थक्वेक्स आए, तो इतनी जल्दी ऐसा नहीं कि वो ढेर हो जाएगा. आप जानते हैं पहले जो घर बनते थे वो बैम्बू से बनते थे, तो क्या होता था, बैम्बू से बनते थे या फिर कुछ भी जिसे आप कहते हैं आज के ज़माने में आप कहेंगे घास या कुछ, इसे रख के स्ट्रॉस जिसे हम लोग कहते हैं उनसे बनाए जाते थे, शेड की तरह, झोपड़ी जिसे कहा जाता है, इस फॉर्म में बनाए जाते थे. लेकिन वो क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती थी या कुछ ऐसी नेचुरल अनसर्टेनिटी आती थी तो वो घर टूट भी जाते थे. फिर ह्यूमन बींग ने सीमेंट वगैरह यूज़ किया, स्टोन्स यूज़ किए, जिससे उन्होंने पक्के घर बनाए. सो इसी तरह से हमारे सीमेंट ब्रिजेस बनते हैं सीमेंट, स्टोन एंड आयरन रॉड्स को यूज़ करके. अब आई एम श्योर कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम सीमेंट ब्रिजेस बना सकते हैं तो हम ट्रॉलीज का क्यों यूज़ करते हैं, हमने बैम्बू ब्रिज क्यों बनाया है. बिकॉज जब हम सीमेंट ब्रिज बनाते हैं तो सीमेंट ब्रिज को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है. पहली बात ये, जिस लैंड पे हम सीमेंट ब्रिज बना रहे हैं, क्योंकि उसे वहाँ पे टिकना भी चाहिए ना, बिकॉज सीमेंट ब्रिज के ऊपर से एक व्हीकल भी जा सकता है. मैंने आपको बोला ना ट्रेन्स भी जाती हैं उसके ऊपर से, लाइक आपने देखा होगा, आई कम टू दिस क्वेश्चन, कि हम लोग असम में या हम लोग बैम्बू ब्रिज की जगह या हम लोग ट्रॉलीज की जगह सीमेंट ब्रिज क्यों नहीं यूज़ करते. बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरे माइंड में सडनली आया है. आपने देखा होगा कि आप जब किसी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं या बस से ट्रैवल करते हैं तो वो कभी कभी एक ब्रिज के ऊपर से क्रॉस होती है और उस ब्रिज के साइड पे बहुत सारा पानी रहता है, तो आपको उस रिवर या उस सी से क्रॉस करवाने के लिए ट्रेन या बस के थ्रू वो ब्रिज क्रिएट किया जाता है सीमेंट से. और सीमेंट का अनस्टोन एंड आयरन से बना हुआ ब्रिज क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके थ्रू ट्रेन्स ईजली पास हो सकती हैं, बसेस ईजली पास हो सकती हैं. सो इसलिए हम लोग सीमेंट ब्रिजेस प्रेफर करते हैं जब हमें व्हीकल्स को क्रॉस बाय करना होता है. अब हम अपने क्वेश्चन पे बैक होते हैं कि हम बैम्बू ब्रिजेस की जगह या हम ट्रॉलीज की जगह क्यों नहीं यूज़ करते हैं सीमेंट ब्रिजेस. जैसे मैंने आपको बताया था, हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है सीमेंट ब्रिज बनाने का, जिससे सबसे पहली बात थी लैंड, जिसकी मैं बात कर रही थी. तो जो हम लैंड है जिस पे हम एक सीमेंट ब्रिज खड़ा करें, क्योंकि उसके ऊपर से क्या जाना है, उसके ऊपर से आपको ट्रेन्स भी क्रॉस हो सकती हैं, बसेस भी, कार्स भी, साइकिल्स भी, मतलब इन शॉर्ट हैवी व्हीकल्स भी क्रॉस हो सकते हैं. तो आपको कम से कम उस लैंड को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो उसका वजन सहन कर पाए. बट जैसे मैंने असम साइड बताया, ये जो हमारा वेस्ट बंगाल साइड होता है, उस साइड जो लैंड है जो उधर विलेजेस की, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसे आप खोखला कहते हैं अंदर से. कैसे होता है, वहाँ पे दलदल है या पानी के कारण बहुत ज़्यादा लैंड वहाँ की खोखली हो जाती है. अगर हम सीमेंट ब्रिजेस बनाएंगे भी तो वहाँ पे डर होता है जल्दी टूटने का, इसलिए. एंड सेकेंड थिंग इज कॉस्ट. अब आप कहेंगे इसमें कॉस्ट का क्या लेना देना है, सीमेंट ब्रिज बनाओ, बैम्बू ब्रिज बनाओ, कॉस्ट का क्या लेना देना है. नो, इसमें कॉस्ट का बहुत लेना देना है. देखिए, जब आप एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं उसमें बनाने का आपका कॉस्ट जाएगा, वहाँ से ट्रक्स पास हो रहे हैं, ट्रेन्स पास हो रही हैं, बसेस पास हो रही हैं, ऑब्वियसली जब इतना होगा तो उतनी एफिशिएंटली वो बनेगा, उतना ही कॉस्ट उसमें लगाया जाएगा, उतना ही मटेरियल उसमें डाला जाएगा. बट अगर दिन में, जैसे मैंने आपको असम में बताया, एक विलेज से दूसरे विलेज क्रॉस करना होगा, आई थिंक सो हार्डली एक दिन में 15-20 स्टूडेंट्स क्रॉस बाय होते होंगे और वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं जाता, कुछ नहीं जाता. एंड वहाँ पे दूसरी बात, बनाना भी मुश्किल है सीमेंट ब्रिज, तो इसलिए ऐसी जगहों पे अल्टरनेटिव्स है. फॉर एग्जांपल असम में आपका यूज़ हुआ गया है बैम्बू ब्रिज, कुछ जगह पे बनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ जगह पे नहीं बनते होंगे. वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है, ईस्ट में, हमारे असम ईस्ट साइड में, कि बनते नहीं होंगे, वेस्ट बंगाल साइड में नहीं बनते होंगे, बनते होंगे, ऐसा नहीं है. बट वहाँ के लिए लैंड एंड जहाँ पे उसका एफिशिएंट यूज़ हो सके, जो हमने रिसोर्सेस लगाए हैं, जो हमने इनपुट्स डाले हैं, उसका ऑप्टिमम
आउटपुट आए, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, तब हम उस चीज़ को यूज़ या हम उस चीज़ को बना सकते हैं, उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सेकेंडली, ट्रॉलीज जो मैंने आपको बताया था कि हम एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पहुंचने के लिए या रिवर क्रॉस करने के लिए, आप कहेंगे हमने ट्रॉली यूज़ की, हम सीमेंट ब्रिज भी इजिली बना सकते थे क्योंकि ट्रॉली में भी कॉस्ट आता है. चलिए, बैम्बू ब्रिज का तो समझ आया, एक बंदा भी रोप लगा के बैम्बूज करके कर देगा, बट ट्रॉलीज में भी आपका कॉस्ट आएगा, वो भी आप यूज़ कर सकते थे, कर सकते थे. बट कभी कभी माउंटेन या हिली एरियाज में कैसा होता है कि अगर आप जाते हैं, कुछ आप एक हथौड़ा भी मारेंगे माउंटेन पे, तो जो ऊपर के रॉक्स होते हैं ना, वो एकदम खुद ब खुद खिर के नीचे आ जाते हैं, जो बहुत रिस्की हो सकता है. तो उस जगह पे जहाँ पे आप बिल्कुल ऐसा ट्राई नहीं कर सकते या उन रॉक्स को ब्रेक डाउन करके थोड़ा रिस्की है, वहाँ पे हम ट्रॉलीज का यूज़ करते हैं. पर माउंटेन एरियाज पे भी काफ़ी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ब्रिजेस बने होते हैं. और आजकल तो लाइक अगर हम, मैंने आपको लद्दाख का बताया, लेकिन अगर आप नॉर्थ में चले जाएँ या आप इधर हिमाचल साइड चले जाएँ, तो कैसा है वहाँ पे जितने भी आपके हिली एरियाज हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, शिमला, मसूरी, वहाँ पे बहुत ऐसे आपको सीमेंट ब्रिजेस मिलेंगे जहाँ पे टूरिस्ट ईजली वॉक कर सकते हैं और हैवी व्हीकल्स वहाँ से क्रॉस हो रहे हैं. क्योंकि अगर आपने अगर कभी शिमला या मसूरी ट्रैवल किया, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बसेस भी जाती हैं. एंड आई डोंट नो, शिमला में तो अभी तक शायद टॉय ट्रेन चल रही है, मसूरी में तो अभी तक ट्रेन्स नहीं गई हैं, बट वहाँ पे आप बसेस, कार्स या टैक्सीज के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं. ओके, सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू. सीमेंट ब्रिजेस, द ब्रिजेस विच आर बीइंग मेड फ्रॉम सीमेंट, स्टोन्स एंड आयरन रॉड्स. ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वलम. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वलम. अब ये वलम क्या है? यू नो, हर एक सिटी का, हर एक स्टेट का अपना अपना कल्चर होता है, अपना रहन सहन होता है, अपना खाना होता है. लाइक अगर हम वेस्ट बंगाल साइड जाते हैं, बंगाल साइड जाते हैं, तो वहाँ पे फिश बहुत फेमस है. लाइक वहाँ की फिशेस, बंगालीज एंड स्वीट्स एंड वहाँ का रहन सहन अलग है. अगर हम यहाँ महाराष्ट्र में आते हैं, तो वहाँ का थोड़ा सा अलग है. वहाँ पे मालवानी खाना, महाराष्ट्रियन खाना, सब इस तरह से है, सब कुछ डिफरेंट है. कोस्टल रीजन्स में कोंकणी, सब हर जगह का, हर एक स्टेट का अपना कल्चर है, अपना डिविजन है. इसी तरह से वलम इज अ टाइप ऑफ अ स्मॉल वुडन बोट. एक छोटी सी वुडन बोट होती है केरला में, जो हमें हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, जो बेसिकली केरला के विलेजेस के बच्चे यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए. आई होप, क्योंकि हम लोग, आई होप सो आप भटके नहीं किस लेसन में है, गोइंग टू स्कूल. तो हम स्कूल कैसे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से या डिफरेंट डिफरेंट जगहों से? तो केरला के कुछ गांव के बच्चे, जिनका स्कूल दूर होता है और उन्हें ट्रैवल करना है, वो ट्रैवल करते हैं वलम से. वलम एक छोटी बोट होती है कुछ इस किस्म की, जो वुड से बनी होती है. एक टाइम पे 4, 5, 6 बच्चे और साथ में यहाँ पे वाटर रहता है एंड एक पर्सन जो उन्हें अपना इस तरह से उनके हाथ में, आप क्या कहेंगे, चूरा होता है, जो जिससे वो पानी पीछे कर करके उन्हें सी की एक साइड से दूसरी साइड तक स्कूल पहुँचाते हैं. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैमल कैट. सो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आपको सजेस्ट हो गया होगा कि कैमल कैट क्या है. कैमल कैट एक किस्म की गाड़ी होती है जो कैमल के थ्रू रन की जाती है. अब आप कहेंगे कैमल के थ्रू रन की जाती है, ये कैसे होता है? आई विल टेल यू. कैमल कैट्स जो यूज होते हैं, वो बेसिकली यूज होते हैं राजस्थान में. और आप
सबको पता है राजस्थान इज दी डेजर्ट एरिया. ओके, डेजर्ट एरिया मीन्स जहाँ पे बहुत सारा सैंड होगा और कुछ पानी की कमी भी होगी. तो कैमल कैट किस तरह से होता है? एक कैमल रहेगा, ओके, जो ड्राइव ऑफ किया जाएगा, जिसे चलाएंगे हमारे ये ड्राइवर. एंड इसके पीछे एक कार्ट होगी, वुडन की कार्ट, जहाँ पे जो भी बच्चे रहेंगे वो बैठ सकते हैं और अपने स्कूल जा सकते हैं. अब आपके मन में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि हम यहाँ पे बैम्बू ब्रिज, सीमेंट ब्रिज क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं भाई, सीमेंट ब्रिज भी बना सकते हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है. बट आप मुझे बताइए, आप कहाँ तक सीमेंट ब्रिज बनाएंगे? क्योंकि राजस्थान तो पूरा ही सैंड से भरा हुआ है, तो हमारा तो कोई एंडिंग ही नहीं है कि हम कहाँ तक बनाएंगे. आप एक लिमिटेड एरिया को ही तो ब्रिज से कवर कर सकते हो, बट जहाँ जो चीज़ पूरी कवर है, आप कहाँ तक बनाओगे? कोई लिमिट ही नहीं है. तो इसलिए वहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है कैमल काट. अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, हम जहाँ पे बुलक कार्ट यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे हॉर्स कार्ट भी यूज कर सकते हैं, कैमल को ही क्यों यूज करते हैं? उसके कुछ रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन ये है कि जो कैमल के फुट होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, जिससे उसके लिए इजी होता है सैंड पे चलना. जो इतना इजी एक बुलेट कार्ट के लिए नहीं, एक बुलेट कार्ट के लिए नहीं रहेगा, एक हॉर्स कार्ट के लिए नहीं रहेगा, बट वो कैमल कार्ट के लिए थोड़ा इजी रहता है, कैमल के लिए वहाँ पे चलना. एंड सेकेंडली, जो कैमल के आइस के पास ही जो फ्लेस होते हैं, वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं गॉड के थ्रू, कि जब सैंड उड़ती है तो वो अपनी आईज ऐसे क्लोज कर लेता है कि वो सैंड उसकी आईज में ना जाए, जिससे उसकी आईज इफेक्ट नहीं होती है. ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कैमल पानी के बिना बहुत दिन तक रह सकता है, जो कोई और जानवर के लिए मुश्किल हो सकता है, हॉर्स या आपका बुलक के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. सो आई होप सो यू आर क्लियर विद द टॉपिक कैमल कार्ट. कैमल कार्ट आर यूज इन राजस्थान, जो यूज किया जाता है वहां के बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए. ओके, सिंपलर पड़ती है और इजली उस एरिया के हिसाब से वो ट्रैवल कर सकते हैं. आपको मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हर एरिया में, हर स्टेट में अपने अपने स्टाइल का आप व्हीकल यूज करते हैं, अपने अपने स्टाइल का कल्चर होता है. तो कैसा रहता है कि वहाँ की जो लैंड रहती है या वहाँ की जो सराउंडिंग्स रहती हैं, उसकी एक आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ या उधर की आबरो हवाई ऐसी है कि वहाँ पे वही जानवर या वही तरीका बेस्ट रहता है ट्रैवलिंग के लिए, आप कहिए स्कूल जाने के लिए कहिए या वहाँ रहने के लिए. ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुलक कार्ट. बुलक कार्ट जो यूज होती है वो बेसिकली यूज होती है प्लेन्स के विलेजेस में. जो भी हमारे प्लेन रीजन होते हैं उनमें, उधर विलेजेस में मोस्टली जो यूज होता है वो यूज होता है बुलक कार्ट का. अब बुलक कार्ट क्या रहती है? बुलक कार्ट इस तरह से रहती है कि दो बुल्स एक टाई ऑफ होते हैं इधर एक बैम्बू या रोप के थ्रू यहाँ पे, एंड एक ड्राइवर जो उन्हें उस कार्ट को चलाता है, एंड पीछे इसी तरह से एक वुड की, आप कह सकते हैं बैम्बू से एक जगह बना दी जाती है जहाँ पे सब बैठ सकते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए, और उनके लिए इजी रहता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे
ट्रैवल करना। और जब ज़्यादा धूप होती है या बारिश होती है तो वो बच्चे उस शेड की जगह जहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है उस शेड को वो कवर कर सकते हैं अम्ब्रेला से या कुछ तरपाल या आप कह सकते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ डाल के, कोई शेड डाल के। शेड ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ दीवार करेंगे या कोई पिलर करेंगे, नहीं, शेड फॉर्म में आती हैं जिसे आप लोग तरपाल कहते हैं या जिसे वो लोग कोई अम्ब्रेला या कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर देते हैं या रेन कोट्स जो उन्हें उस बारिश से या उस धूप से बचाएगा। ओके, तो वहाँ के बच्चे यूज़ करते हैं बुलेट कार्ड्स का और स्कूल जाते हुए वो लोग बहुत सारी ग्रीनरी इंजॉय करते हैं, बहुत सारा नेचर इंजॉय करते हैं और इसी तरह से वो ग्रीन ग्रीन फील से अपने स्कूल को ट्रैवल करते हैं। कुछ बच्चे, आप में से भी कुछ बच्चे स्कूल अपनी अपनी बाइसाइकिल्स पे जाते होंगे, एम आई राइट? यस, कुछ बच्चों को अपनी अपनी बाइसाइकिल्स पे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? इसी तरह से कुछ ऐसे विलेजेस अभी भी हैं बिहार साइड में, या आप कह सकते हैं नॉर्थ में भी कुछ, इट्स नॉट बिहार, और भी कई जगह हैं नॉर्थ में जहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ना मना है या लड़कियों का पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता। वहाँ पे लड़कियों को ऐसे निकलना, बाइसाइकिल्स राइड करना इस तरह से अलाउ नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जो स्कूल जाने के लिए बाइसाइकिल्स का यूज़ करती हैं। ये गर्ल्स कुछ ग्रुप्स में जाती हैं, लाइक 6 to 7, 7 to 8 गर्ल्स इकट्ठी जो आसपास रहती होंगी ईजली जाती हैं, जो उनकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा होता है। लाइक अकेले ऐसे जाएंगी तो एक एक करके, तो उनकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं होता उस तरह, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा होते हैं कि लाइक दे डोंट अलाउ गर्ल्स टू गो टू स्कूल, कि आप स्कूल नहीं जा सकती हैं, आपको घर ही जाके काम करना पड़ेगा। लाइक इस तरह की भी कुछ मेंटालिटी के लोग होते हैं, तो दे मोस्टली ट्राई टू गो टू स्कूल इन ग्रुप्स जो उनके लिए भी अच्छा रहे, एंड थ्रू देयर बाइसाइकिल ट्रैवल फ्रॉम देयर होम टू स्कूल, अपनी बाइसाइकिल पे वो अपने घर से स्कूल तक का सफ़र तय करती हैं। आई नो आप सबको भी बहुत मज़ा आता होगा बाइसाइकिल पे जाने पे, नो दैट। सो नाउ नेक्स्ट व्हीकल विच वी आर टॉकिंग विल बी जुगाड़। यस, यू विल से व्हाट इज दिस जुगाड़? दिस इज द व्हीकल जो यूज होता है गुजरात में। गुजरात में एक व्हीकल यूज होता है जिसके आगे बाइक रहती है। ओके, आई एम सॉरी, मेरे ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, सो एक्सक्यूज मी फॉर दिस। बाइक रहता है और ड्राइवर उसे राइड करते हैं उस बाइक को, और पीछे एक वुड का कह लीजिए या आयरन रॉड से, एक इस तरह से आप कह लीजिए कुछ जगह बनाई जाती है जहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं और अपने स्कूल जा सकते हैं। ये जो पीछे का कैरेज रहता है उसकी जो सराउंडिंग होती है वो डिपेंड करती है डेवलपर पे, कि वो या तो वुड के रॉड्स लगा के उसके सेफ्टी के लिए, या फिर आप कह सकते हैं आयरन के लगाते हैं कि जो उसके अंदर बैठ रहा है उसकी सेफ्टी रहे, क्योंकि अगर वो प्लैंक्स नहीं लगाएंगे तो बच्चों के गिरने का डर होता है, या फिर अगर वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो सामान गिरने का डर रहता है। बट बेसिकली अभी तो वी आर गोइंग टू स्कूल, सो यहाँ पे बच्चों के ही गिरने का मेन डर है, तो इस तरह के प्लैंक्स पुट ऑफ होते हैं। ओके, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब आप लोग सोचेंगे जंगल, जंगल से स्कूल जाते हैं क्या? कौन जाता है जंगल से स्कूल? कैसे जाते हैं जंगल से स्कूल? यस,
जंगल से अभी भी कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं। आपको पता है कुछ ऐसे विलेजेस हैं अभी भी नॉर्थ में जहाँ पे बहुत ही डेंस और थिक फॉरेस्ट हैं, जिनसे क्रॉस करके आप अपने स्कूल पहुँचते हैं या दूसरी जगह पहुँचते हैं। और वो ऐसे फॉरेस्ट हैं कि वो इतना ज़्यादा ट्रीज से और ग्रीनरी से कवर हैं कि वहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुँचती। सनलाइट आप कहेंगे कैसे नहीं पहुँचती, सनलाइट तो निकलती है, बट वो इतने डेंस है, लाइक पूरी ग्रीनरी से वो पार्ट इतना कवर है कि सनलाइट इस तरह, लाइक मैं आपको बताऊँ, अगर आप समझिए ये पेड़ है, ठीक है, इसके आसपास ग्रीनरी है, ओके, अब सन यहाँ है, तो सन की अगर लाइट चाहिएगी तो उसे कुछ तो जगह चाहिए जहाँ पे वो क्रॉस होगा, बट ये पेड़ ही इतने डेंस है, इतने थिक फॉरेस्ट टाइप है ये, कि वो सनलाइट भी वहाँ से पास नहीं होती, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डार्क है, ओके, सो इस तरह के भी फॉरेस्ट अभी है इंडिया में, जहाँ पे से लोग एक विलेज से दूसरे विलेज में ट्रैवल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ओके, और वहाँ पे आप जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो कुछ बर्ड्स के, कुछ क्रीचर्स के, कुछ इंसेक्ट्स की आवाज़ें आती हैं, लाइक बर्ड्स की चीपिंग एंड कुछ इंसेक्ट्स के साउंड सब आते हैं, ओके, कुछ कुछ आप लोग कह सकते हैं जंगल बुक टाइप का जंगल, यस, जंगल बुक टाइप का जंगल, इस तरह का भी जंगल कुछ बच्चों को अभी क्रॉस करना पड़ता है अपने स्कूल जाने के लिए। एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि जो माउंटेन रीजन है या कुछ, तो उनमें कैसा रहता है कि जो घर होते हैं वो माउंटेन्स के ऊपर होते हैं, तो अब जब उन्हें किसी भी काम के लिए आना है, स्कूल जाना है, अब स्कूल तो माउंटेन के ऊपर नहीं बनेगा या कुछ ऐसा नहीं होगा, तो जब उन्हें कोई स्कूल जाना है या कहीं मार्केट जाना है या कुछ जाना है, तो उन्हें वो पूरा वे ट्रैवल करना पड़ता है, और वो वे पूरा कैसे, अब माउंटेन से कूद के तो आएंगे नहीं, सो देयर वुड बी सम वे, तो वे जाता है जंगल का वे, ओके, सो फ्रॉम दैट वे दे ट्रैवल टू देयर स्कूल बाय वॉकिंग। नाउ अब ये तो होगी जंगल्स की बात, अब हम करते हैं थोड़ी सी स्नो की बात। आप लोग को पता है कुछ जगह पे इतना ठंडा पड़ता है विंटर्स में, इतना ठंडा पड़ता है कि वहां पे स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल ऐसे होती है कि जिस तरह से रेन, जब बारिश होती है, पानी गिरता है ऊपर से, पानी की ड्रॉप्स आती हैं, इसी तरह से स्नोफॉल में पानी की जगह स्नो आती है, और कुछ जगह पे तो इतनी मोटे मोटे बर्फ के गोले पड़ते हैं कि वो जो पूरा लैंड होता है वो बर्फ से कवर हो जाता है आपका, और वो बर्फ से कवर होने से क्या होता है कि जो माइल्स तक जो स्कूल दूर है बच्चों के, उन्हें चल के जाना पड़ता है। अब आप कहेंगे इधर कोई ब्रिज नहीं हो सकते या कोई ट्रॉली नहीं हो सकती, नहीं, कभी कभी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल है कुछ भी बिल्ड करना, क्योंकि वहाँ पे स्नो की इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि हमें कुछ भी पिलर्स या कुछ भी ऐसा वे कनेक्शन की हमें मिलता ही नहीं है कोई रिसोर्स कि हम उधर कोई कनेक्शन कर सकें या कुछ बिल्डअप कर सकें, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन रहता है वॉक करने का स्नो पे। और ऐसी बहुत सी जगह हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे बहुत सारा स्नो पड़ता है, शिमला, कश्मीर, बहुत सारी जगहें हैं ऐसी, और वहाँ पे बच्चे गम बूट्स यूज़ करते हैं। गम बूट्स आप जानते हैं ना, आप पिक्चर में देख सकते हैं, प्लीज़ पुट द पिक्चर ऑफ गम बूट्स। तो उससे क्या रहता है, वो जब गम बूट्स वो वाले यूज़ करते हैं, तो जब वो वॉक करते हैं स्नो पे, उनके पैरों को थोड़ा ग्रिप मिलता है, बिकॉज जब वो स्नो पे वॉक करते हैं तो वहाँ पे उनके स्लिप होने का डर होता है। लाइक स्नो इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ वाटर ओन, लेकिन वो बिल्कुल फ्रीज किया हुआ है, तो उसमें भी कैसा होता है, थोड़ा स्लिपिंग का, थोड़ा
गिरने का डर रहता है, और ऐसा होता है आप जब स्नो पे चल रहे हो तो आप कभी कभी स्नो में गिर जाते हो, आपको पता नहीं लगता, मज़ा बहुत आता है बट गिर जाते हैं, लग भी जाती है कभी कभी। सो इट इज़ बेटर कि आप थोड़े गम्बूट्स यूज़ करते हैं वहाँ पे वॉक ऑन करने के लिए, ओके, जैसे आपने पिक्चर में देखा उस टाइप के गम्बूट्स। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने न्यू स्टेट की तरफ एंड दैट इज उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड को आप कह सकते हैं रॉकी प्लेन्स। रॉकी प्लेन्स कैसे कहेंगे उत्तराखंड को? वहां पे जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही पथरीले होते हैं, लाइक उधर बहुत सारे पत्थर होते हैं। पहले तो ना मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, प्लेन्स अगर मैं एक जो मुझे बचपन में किसी ने बताया था और आज तक मुझे याद है, मैं आपको क्लियर एक चीज बताना चाहूंगी जिससे आपको प्लेन्स एंड वैली का डिफरेंस थोड़ा क्लियर होगा। जो इस तरह से रास्ते हैं स्ट्रेट, देख रहे हैं आप मेरे हाथ की तरह बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से रास्ते हैं वो है प्लेन्स, और जो इस तरह से रास्ते हैं सीप में, दे आर वैली। ओके, सो उत्तराखंड में बहुत है, बोथ दी थिंग्स हैं, प्लेन्स भी हैं कुछ जगह एंड वैलीज भी हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो जहाँ पे रॉकी प्लेन्स हैं, तो रॉकी प्लेन्स में कैसा है, जो रास्ता है वो पूरा रॉक से ढका हुआ है एंड वो इतना अनइवन होता है, वो ऐसा नहीं है कि सेम टाइप के पत्थर हैं या कुछ है, नहीं, वो इतना अनइवन रास्ता है कि कहीं पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, कहीं पे छोटे छोटे पत्थर हैं, कहीं पे बहुत छोटे छोटे पेबल्स हैं, कहीं पे आप कह सकते हैं सैंड टाइप के पत्थर हैं, तो वहाँ पे भी बच्चों का वॉक करना मुश्किल होता है। और हम किसी व्हीकल की तो यहाँ पे बात ही नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड मैं जैसे अपने पुरानी भी आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन दिए कि वहाँ पे ब्रिजेस वगैरह क्यों नहीं बन सकते हैं ड्यू टू लैंड प्रॉब्लम एंड सम अदर कल्टीवेशन प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता है, तो इसी कारण तो जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं उनको वहाँ पे वॉक करना बहुत इजी लगता है। बट अगर हम लोग जो उन्हें आदत नहीं है इस तरह से रॉक्स में चलने की, उन्हें तो ऐसे लगेगा कि हम लोग वहाँ पे ट्रैकिंग करने गए हैं एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। वहाँ के बच्चों को आदत होती है तो वो फटाफट ऊपर चले जाते हैं रॉक से, माउंटेन पे, बिल्कुल प्लेन्स पे चले जाते हैं रॉकी प्लेन से एंड फटाफट नीचे आ जाते हैं। बट हम लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जाना, बट उनके लिए काफ़ी हद तक क्योंकि अब उन्हें आदत हो चुकी है आप कह सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल होता है ऐसे ट्रैवल करना, फटाफट से ऊपर भाग के जाना, फटाफट से नीचे आना। सो I just want to tell you कि इन रॉकी प्लेन्स पे जो रास्ता पूरा पत्थरों से कवर होगा, इस तरह से पत्थरों से कवर होगा, और उनसे आपको जब क्रॉस करके जाना पड़ता है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दी ड्रॉइंग, उनसे जब आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट वहाँ के बच्चों को थोड़ी हैबिट हो जाती है क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, आप जहाँ पलते बढ़ते हैं, तो आपको वहाँ की हैबिट हो जाती है, तो ऑब्वियसली वहाँ के बच्चों को थोड़ी हैबिट होती है तो उन लोगों के लिए इजी होता है। सो वी कम टू एंड ऑफ आवर लेसन, आई थिंक सो आप लोग को समझ आया होगा, सब बच्चों को समझ आया होगा और आपके लिए थोड़ा इजी रहा होगा ये लेसन हिंदी में समझना एंड आपके लिए बेटर रहा होगा। इन द एंड ऑफ दिस लेसन नाउ आई हैव सम टिप्स फॉर मॉमीज़।